एक प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं उनके चुनाव लड़ने का क्या मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ फॉर बिहार चैनल में हमारे। सबसे पहले न्यूज़ फॉर बिहार वाले के जो भी मतलब दर्शक हैं, देखने वाले हैं, मैं उनको दिल से प्रणाम करता हूँ। अपना परिचय एक बार बताइए हमारे जन। मैं डॉक्टर अनुज पांडे, मुबारकपुर पंचायत विभाग 27 से BDC पद का जो है उम्मीदवार हैं। जैसा कि आपने बताया, आप एक डॉक्टर भी हैं, तो डॉक्टर होने के बावजूद आप राजनीति में आए हुए हैं, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है आपके? मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं हर व्यक्ति से मिला हूं और हर आदमी का, हर जनता को साथ कंधे में कंधे मिला कर के सेवा किए हैं और आगे भी सेवा करेंगे। मेरा सबसे पहला इतना ही आप लोग जान लीजिए कि मेरा लड़ने का कोई लक्ष्य नहीं था, कोई ड्रीम नहीं था। मैं यहीं पे इलाज कर रहा था बगले में भलुही में। वहाँ पे कुछ ऐसा पुरनिया लोग हैं जिनको हम पैसा भी नहीं लेते हैं, लाचार बुजुर्ग लोग हैं। वहाँ पे 2-3 आदमी गया, इंदिरा आवास का पैसा उनको मिला हुआ था। 2-3 आदमी इसी BDC कैंडिडेट का लोग पहुँचे, हम किसी का नाम नहीं रखेंगे, वहाँ पहुँच करके और वो जो है बुजुर्ग आदमी से पैसा छीनना वो लोग शुरू किए। बोले कि 10,000 रुपया तुम अपना दो, तभी दूसरे का भी इसका पैसा मिलेगा। बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है कि आप भ्रष्टाचार को, जो भी पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनको आप ख़त्म करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको जनता चुनती है यहाँ पे और यहाँ की BDC बनाती है आपको, तो आपके किन मेन मुद्दों पर आपकी जो है फोकस रहेंगे, किन मुद्दों पर आप ध्यान देंगे? सबसे बड़ी मेरा फोकस यही रहेगा, शिक्षा का, नल जल योजना, इंदिरा आवास, जो भी भ्रष्टाचार करप्शन लोग हैं उनको हम पाबंदी लगाएंगे और यहाँ से जीत कर जब भी हम मढ़ौरा जाएंगे तो कुछ अपना पंचायत को काम करने का हमारा लक्ष्य है। जनता के बीच में कैसा रिस्पांस है? अभी तक आप जनता के बीच में घूम रहे थे, जनता का क्या सपोर्ट है, जनता किस तरीके से आपकी मदद कर रही है? जनता बहुत अच्छे हैं और मेरे को मतलब दिल जान से हर आदमी समर्थन कर रहा है और 100% विश्वास है कि मेरा सीट निकल रहा है। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर बिहार, कैमरा पर्सन कुमार आदित्य के साथ मैं MS प्रसाद, न्यूज़ फॉर बिहार सारण।